टू माई मिनी मेट्रो फ्लेक्स। चलिए टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे रोइंग मशीन। रोइंग मशीन गुड फॉर योर बैक, ट्रैप्स, यू नो योर लैट्स। सो ये रोइंग मशीन, दोनों अलग अलग एक्सटेंशंस अलग अलग हाथों के लिए, राइट? तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट नहीं मिलता है इसमें, जैसे मशीन्स में होता है, दोनों हाथों का अलग अलग। सो विच इज़ वेरी मच गुड फॉर योर गेंस। सेकेंड इज आपका जो चेस्ट प्रेस है, ये भी अगेन फ्री वेट हैमर स्ट्रेंथ टाइप डिजाइंड है, राइट? तो आप ये चेस्ट प्रेस देख सकते हो, अलग अलग हाथ अलग अलग वेट उठता है अलग अलग जगह से, तो दोनों तरफ स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होती है। नेक्स्ट इज योर पुल अप मशीन। इस पर आप यहाँ पे पैर रखते हो एंड देन यू गो डाउन वेट अपने हिसाब से, एंड देन इट असिस्ट यू कि आप पुल अप करिए, ठीक। नेक्स्ट इज योर टी बार्स। दोनों टी बार्स एक साथ रखे हुए हैं। ये कन्वेंशनल टी बार जो आपने नहीं देखा होगा आई थिंक, ये वाला, एंड दिस इज द टी बार यू मे हैव वॉच्ड इन सम अदर यू नो जिम्स। तो ये नॉर्मल हमारा जो टी बार है, सिंबल, दोनों पे वेट लग जाता है एंड देन यू लिफ्ट इट अप एंड गेट योर गेन। नेक्स्ट इज योर शोल्डर प्रेस। उसके पीछे आपने, इन दोनों के पीछे आपने देखा, शोल्डर प्रेस बड़ी सिंपल सोबर मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। और सीधा आपके फ्रंट डेल्ट और जो डेल्ट बोलते हैं, फ्रंट डेल्ट जो सामने वाला डेल्ट होता है, शोल्डर होता है, उसके लिए आपको ये यूज आती है। नेक्स्ट इज योर ट्राइसेप्स। आप यहाँ लेटते हो, पीछे से पकड़ते हो, ट्राइसेप यू एक्सटेंड। तो ट्राइसेप्स एक्सटेंशन के लिए मशीन है। बाकी पीछे आप जो प्लेयर्स देख रहे हो, दिस इज दी आर्नोल्ड एरा प्लेट्स 1992 एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो बहुत अच्छा, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन प्लेट्स के साथ स्पेसिफिकली ट्रेन करने का, राइट? एंड दिस इज़ योर काफ प्रेस, सीटेड काफ प्रेस, राइट? तो ये सीटेड काफ प्रेस हो गई आपकी। बाकी नेक्स्ट हम मैं डम्बल्स का आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास स्टील तो है ही, जैसे आप ये देख रहे हो, ये प्योर स्टील डम्बल्स ये तो है ही, एंड साथ साथ पीछे रबराइज डम्बल्स भी हैं। रबराइज डम्बल्स बाद में ऐड हुए हैं, लेकिन पहले हमेशा सिर्फ स्टील डम्बल्स हम लोग रखते थे, राइट? सो आप ये सारा देख लो, सारा का सारा स्टैक अप्रॉक्स 40 kg हमारा हाईएस्ट अभी, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा लोग आते नहीं उठाने वाले इसमें, पहले थे लेकिन अभी हमने फिर ज़्यादा रखा नहीं है। सेम गोज फॉर प्लेट्स। प्लेट्स आप देख रहे होगे रबराइज भी हैं और आपका स्टील तो मैंने आपको दिखाई दी है, राइट? सो बाकी आप बेंचेस पे नज़र मार लीजिए एक बारी, इंक्लाइंड, डिक्लाइंड, इंक्लाइंड कुछ भी कह लो इसको, फ्लैट सीटेड चेयर, फ्लैट, उसके पीछे इंक्लाइंड बेंच, पीछे चेयर एंड देन पीछे अगेन इंक्लाइंड बेंच, राइट? फ्री वेट्स, फ्री वेट बेंचेस हमारे पास भी हैं, वो भी हैं, और आपको नॉर्मल जो अलग बेंचेस हैं वो भी मिल जाएंगे, राइट? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अप योर मशीन, ये एक आपने डिक्लाइंड बेंच भी देख लिया। नेक्स्ट अप योर मशीन इज योर रियर डेल्ट फ्लाइज। ये इसकी, इस मशीन की बहुत अच्छी हिस्ट्री है। ये थी एक्चुअली पेक फ्लाई, लेकिन हमने कुछ जुगाड़ करके मस्त इसको, क्या नाम है आपका, रियर डेल्ट के लिए, रियर डेल्टॉइड्स के लिए जो रियर डेल्ट फ्लाई होती है वो बना दिया है इसको, राइट? तो ये काफी इनोवेशन एंड जुगाड़ का मिक्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट मशीन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको रेयरली आपको किसी जिम में मिलेगी, फ्री वेट साइड लैटरल रेजेस, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको अलग अलग हाथों के लिए। मतलब आप जो रबर आप देख रहे हो उसके ऊपर आप अपनी फोर आर्म्स रख के एंड देन यू कैन लिफ्ट इट अप एंड बैक, अप एंड बैक। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मशीन है आपके साइड लैटरल, जो स्पेसिफिकली शोल्डर्स के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शोल्डर्स, राइट? तो आपको बहुत अच्छी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट अप इज योर लैट लैट पुल डाउन, आई एम सॉरी, लैट पुल डाउन, वी कॉल इट लैट पुल डाउन। तो लैट पुल डाउन अगेन दो एंड्स एंड देन यू लिफ्ट एंड बैक, लिफ्ट एंड बैक। आगे आपका चेस्ट सपोर्ट है, राइट? तो गो लिफ्ट एंड बैक, लिफ्ट एंड बैक। बाकी ये पीछे वेट लगा लो अलग अलग हाथों के लिए, ये चल जाएगा। बाकी आप रॉड्स और ये सब तो भाई साहब अंधा अंधा पड़ा, तो कुछ नहीं आप वो कर सकते हैं इसके बारे में, राइट? नेक्स्ट इज योर हाइपर एक्सटेंशन। ये हाइपर एक्सटेंशन आप प्लेट रखी हुई, प्लेट हटा के पीछे यहाँ पे लटका सकते हो, आगे आप खुद आगे, एंड देन यू को हाइपर एक्सटेंशन जो लोअर बैक की मूवमेंट होती है, राइट? तो ये वो है। नेक्स्ट इज माई मोस्ट प्राइज पोजेशन, जो आई थिंक आई हैव नॉट सीन दिस मशीन, बहुत टाइम हो गया है, मैंने बहुत सारे जिम्स विजिट किए हैं एंड आई डोंट थिंक एनी बडी हैज़ इट। दिस इज़ द वर्टिकल लेग प्रेस, द लेजेंडरी वर्टिकल लेग प्रेस, जो अब मशीन्स रखना ही बंद कर दिया। बहुत लोग स्मिथ मशीन पे अभी ये रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, यू कॉन्ट रिप्लेस दैट फ्रॉम द स्मिथ मशीन, राइट? तो ये आपका वर्टिकल लेग प्रेस है, वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स फॉर योर क्वाड्स एंड योर हैम्स
बाकी आप ऊपर एक ओवरव्यू भी देख सकते हो, ये लेंटर है थोड़ा सा, और बाकी हमने कवर किया हुआ, अदरवाइज ये ओपन था पहले। नेक्स्ट इज योर सीटेड रो, सीटेड रो बोलते हैं इसको, बैक के लिए, गुड फॉर योर ट्रैप्स एंड योर, अगर आप चेंज करो जो अटैचमेंट लगा हुआ है तो वाइड कर दो तो गुड फॉर योर लैट्स एज वेल। लेवरेज चेस्ट प्रेस, सिंपल कॉमन मशीन। नेक्स्ट इज जो स्टैंडिंग काफ्रेज, ये भी आपने बहुत रेयर ही कहीं देखी होगी आई थिंक, तो ये है स्टैंडिंग काफ्रेज। दिस इज योर स्मिथ मशीन, स्मिथ मशीन सिंपल सोबा, बढ़िया, राइट। नेक्स्ट इज योर, आई विल शो वन मोर मशीन, ये भी आपने रेयर ही कहीं देखी होगी, दिस इज कॉल्ड योर सिसी स्क्वाड, बेसिकली सिसी स्क्वाड भी बोल सकते हो इसको, अदरवाइज आप नीचे यहाँ पे पैर फंसाते हो एंड देन यू गो डाउन बैकअप डाउन बैकअप, वेरी नाइस फॉर योर क्वाड्स। दिस इज द फ्रंट फ्रंट काफ, ये भी आपने रेयरस्ट ऑफ द रेयर मशीन तो आपने कहीं शायद ही देखी होगी, तो दिस इज योर फ्रंट काफ, आगे यहाँ पैर फंसाते हो एंड देन यू गो इट। बाकी तो ये डेडलिफ्ट रॉड एंड बाकी बेंच इंक्लाइन फ्लैट दोनों हो जाता है। दिस इज योर नॉर्मल बेंच, इस पर आप डिप्स कर सकते हो, राइट, सिंपल डिप्स, केबल क्रॉस वन, केबल क्रॉस टू, दो, उसके पीछे आपने पीछे बेंच भी देख लो, पीछे बेंच भी है। देन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट्स हेयर, अपसाइड डाउन जो आप एब्स करते हो, अपसाइड डाउन एब्स, तो उसमें आप पैर फंसा सकते हो यहाँ पे, एंड देन यू गो डाउन एंड देन यू गो अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो ये बहुत ही रेयर मशीन। सेकेंड इज आपका ये स्ट्रेचिंग के लिए यूज होता है, नीचे आप घुटना लगा सकते हो, ऊपर आप खुद बैठ सकते हो एंड देन यू कम बैक एंड यू गो स्ट्रेच, राइट, तो ये स्ट्रेचिंग मशीन है। नेक्स्ट इज योर लैट पुल डाउन, बहुत सिंपल कन्वेंशनल लैट पुल डाउन, तो वन ऑफ द रेयरेस्ट मशीन जो आप कहीं भी देखोगे, यू कॉल इट लेग एक्सटेंशन, लेकिन अलग अलग फीट है इसमें, सेम नहीं चलता है, पीछे यहाँ साइड में आप वेट लगा लेते हो एंड देन यू स्टार्ट एंड अप एंड डाउन अप एंड डाउन, राइट, तो ये भी आप बहुत ही रेयर कहीं देखोगे। नेक्स्ट इज योर क्रंचेस मशीन, सिंपल क्रंचेस आप यहाँ पे सर रख सकते हो, बेस्ट बात यहाँ पीछे यहाँ वेट भी लगा सकते हो, तो यहाँ वेट लग जाता है एंड देन यू गो अप एंड बैक, वहाँ पे आप फंसा सकते हो। अब ये जो मशीन है ये बहुत ही रेयर आप कहीं देखोगे, इट्स अ मिक्सचर ऑफ आई थिंक 3 या 4 एक्सरसाइजेस, आप सबसे पहले इस पर डेडलिफ्ट भी कर सकते हो, सेकंड आप इस पर श्रग्स कर सकते हो, थर्ड आप इस पर शोल्डर प्रेस भी कर सकते हो अगर हल्का सा आप ऊपर नीचे बैठ के अगर ऊपर आप करना चाहते हो, एंड फोर्थ आपको जो दो साइड में एक्सटेंशन देख रहे हो वो आप वहां से आप ट्राइसेप जो प्रेस होता है, ट्राइसेप प्रेस होता है वो भी कर सकते हो, राइट, तो वहां भी एक सीट है पीछे, आप वहां से आप ट्राइसेप प्रेस भी कर सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेयरेस्ट मशीन आप कहीं शायद देखोगे, शायद ही कहीं। सो दिस वॉज पार्ट वन ऑफ माई मिनी मेट्रो फ्लेक्स, राइट, अभी जिम खत्म नहीं हुआ है, वी स्टिल हैव वन मोर पार्ट टू गो, जो आप इसमें आपको कार्डियो सेक्शन और आपको जो अलग पार्ट है दूसरा वो भी दिखाऊंगा, राइट, दिस वॉज वन ऑफ माई प्राइस पोजेशन, आप होप आपको वीडियो पसंद आए एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कीप वेटिंग।